हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। वीडियो नंबर 11, चैप्टर नंबर 1। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमर्स क्या है। कॉमर्स बेसिकली यू कैन से ऑल दोज एक्टिविटीज, यू कैन से अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच हेल्प्स इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? सेल परचेज ऑफ गुड्स। हम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। अब सपोज गुड्स आर रेडी, बट कस्टमर भी तो चाहिए। आमतौर पर जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है वो कस्टमर को माल सेल नहीं करता, ये काम ट्रेडर का होता है। आमतौर पर कंपनी अपना भी शोरूम खोल के डायरेक्ट माल बेच सकती है, बट आमतौर पर मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है और ट्रेडर दूसरे का बना हुआ माल खरीद कर बेच देता है, वो उसी में स्पेशलाइज्ड होता है। तो आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लोग और ट्रेडिंग सेक्टर के लोग अलग होते हैं। सो दोज हु आर एंगेज्ड इन ट्रेडिंग, दे आर बेसिकली हेल्प्ड बाय कॉमर्स, और यू कैन से कॉमर्स इज हेल्पिंग और एनेबलिंग, मेकिंग इट पॉसिबल टू डू द ट्रेडिंग। बेसिकली ट्रेडिंग एक्टिविटी ही कॉमर्स है, है ना। अब इसको समझिएगा कि कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मैन्युफैक्चरर कहीं और है, प्रोड्यूसर कहीं और है, दोनों का जो कनेक्शन सेट कर रहा है वो है ट्रेडर, वो है कॉमर्स, राइट। Now, अगर हम रोल और फंक्शंस ऑफ कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में वो सारी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को मिलाती हैं, या लगाएं तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को मिलने से रोकती हैं, जो उनकी प्रॉब्लम है, हिंड्रेंसेस, प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, उनको कॉमर्स सॉल्व कर देता है। अब आइए एक एक करके पढ़ते हैं उनकी प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन। सबसे पहला प्रॉब्लम है हिंड्रेंसेस ऑफ पर्संस। ये तो सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम है ना। मैन्युफैक्चरर ने माल बना दिया तो सबसे पहले तो द रिक्वायरमेंट इज अ मार्केट जहां पर वो माल बिकेगा। अभी हम दूर की बात छोड़ देते हैं, मैं कहता हूं कि मैं अपने रोहिणी इलाके में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, रोहिणी के ही कस्टमर्स हैं, बट स्टिल आई नीड अ मार्केट। बहुत कम चांसेस हैं कि कंज्यूमर मेरे घर से आके यानी मेरी फैक्ट्री से आके सामान ले जाए। स्टिल वी नीड अ मार्केट प्लेस। तो कॉमर्स मैनेजेस प्रोवाइड्स अ मार्केट प्लेस वेयर बोथ मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर कैन कम। ये तो हुआ जब डायरेक्ट वो बिल्कुल वहीं की वहीं खुद ही बेच दे, नहीं तो वो होलसेलर को देगा फिर आगे होलसेलर बेचेगा। आई मीन टू से फर्स्ट हेल्प इज थ्रू द ट्रेडिंग एक्टिविटी, मार्केट, that sale purchase activity, that is the first thing commerce is doing, because manufacturer is producing the goods, consumer is consuming the goods, and in between there is a trader who is helping the manufacturer ki theek hai maal mujhe de do main consumer ko de dunga, ya manufacturer hi consumer trader ka role play kare to alag baat hai, theek hai na। So first thing is ki the commerce is ensuring a connection between the producer and the consumer। माल बना है तो फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचना भी तो चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। ये मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था। मान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मध्य प्रदेश में और कंजम्पशन है दिल्ली में, तो वहां से यहां तक ये जो प्रोसेस है, वहां से यहां तक जो माल आएगा उसमें हेल्प कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट इज बेसिकली हेल्पिंग द ट्रेडिंग एक्टिविटी, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। टाइम, ये भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वेयरहाउसिंग, माल सारा साल बन रहा है, कंजम्पशन एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे होगी, तो इन द मीन वाइल वेयरहाउस यानी कि आपको माल को गोडाउन में स्टोर करना होगा, और जब कंज्यूमर चाहे उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एट द टाइम ही रिक्वायर्स। यहां पर ऊपर वाले पॉइंट में क्या था, एक तरह से एट द प्लेस ही रिक्वायर। देन रिस्क, बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, है ना। अब उनके रिस्क कैपेसिटी को एक तरह से स्ट्रॉन्गर करने के लिए इंश्योरेंस, उनको डर लगेगा कि अगर हमने माल स्टोर किया या खरीदा तो कल को चोरी ना हो जाए, फायर ना हो जाए, कोई और प्रॉब्लम ना आ जाए, तो ऐसे में इंश्योरेंस सेक्टर उनको सपोर्ट करता है।
देन फाइनेंस, पैसे नहीं है, सपोज अभी फिलहाल पैसे नहीं है, सामान खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, श्योर कि हमारे को सेल परचेज में प्रॉफिट होगा, लेकिन अभी पैसे कम है या नहीं है, तो जितना हो सकता है बैंक इसमें हेल्प करता है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दे प्रोवाइड द नेसेसरी कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। तो उससे क्या होता है कि आप फिलहाल लोन से कुछ सामान खरीदारी करके बेच के बैंक का लोन भी चुकाते हो, बीच में प्रॉफिट भी कमाते हो, राइट? तो बैंक भी खैर आपके अर्निंग कैपेसिटी, पास्ट हिस्ट्री और एसेट्स के बेसिस पे लोन देता है। आपको मेरी बात सुनकर लगे अरे तो बड़ा आसान है, बैंक से लोन लो, सामान खरीदो, बेचो, प्रॉफिट कमाओ, बैंक का लोन वापस करो, बीच में प्रॉफिट कमा लो। नहीं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर वो नहीं बिका सामान ढंग से, रिस्क इज देयर, और इस रिस्क का कोई ज्यादा इलाज भी नहीं है। चोरी हो जाएगी, आग लग जाएगी, उस रिस्क के लिए तो इंश्योरेंस है, लेकिन अगर कल को सामान बिका ही नहीं और आपका, या फिर बहुत सस्ते में बिका और दूसरे लोगों का सामान बिक गया, आपकी दुकान पे सेल नहीं हुई, तो इस रिस्क का कोई इंश्योरेंस नहीं होता, इसलिए तो बिजनेस रिस्क है ना। तो खैर एनीवेज, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको टेम्पररी लोन प्रोवाइड करते हैं, जिससे आपको सपोर्ट मिलता है अगर आपको एक्टिविटी करना चाहे। एंड लास्ट इज द हिंड्रेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। कस्टमर्स को कई बार पता ही नहीं होता कौन कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं, या प्रोडक्ट अवेलेबल भी हैं तो उनकी क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। एडवर्टाइजिंग इन सब चीजों की प्रॉब्लम को दूर करती है। आप टीवी में एड देखते हैं, बिलबोर्ड्स, सड़कों पे होर्डिंग्स लगे होते हैं, न्यूज़पेपर्स में एड्स आती हैं, कई बार पैम्फलेट की फॉर्म में आती हैं। तो इन सारी इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, कंज्यूमर को अवेयरनेस होती है कि अच्छा ये प्रोडक्ट्स इस प्राइसेस पर अवेलेबल हैं, उनके ये फीचर्स हैं, ये यूजेस हैं। उसके हिसाब से कंज्यूमर्स डिसाइड कर सकते हैं कि उनको कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है, एंड अकॉर्डिंगली दे कैन डू द परचेज। सो इट क्रिएट्स डिमांड। सो अब आप देख पा रहे हैं कि कॉमर्स, जिसका मेन काम था टू एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, हाउ इट इज हेल्पिंग, हाउ इट इज रिमूविंग द हिंड्रेंसेस, हाउ इट इज रिमूविंग द प्रॉब्लम्स। एंड सबसे पहले मार्केट्स के थ्रू ट्रेडर ने, या जैसे भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को कनेक्ट किया मार्केट्स ने, और अगर दूर है कंज्यूमर तो ट्रांसपोर्ट किया, अगर उसको बाद में सामान चाहिए तो उसको वेयरहाउस किया। रिस्क अपना कम करने के लिए, आफ्टर ऑल बंदा काम कर रहा है तो रिस्क जितना हो सकता है, जितना ट्रांसफरेबल रिस्क है वो इंश्योरेंस कर दिया। अगर फिलहाल पैसे की जरूरत है तो बैंक ने हेल्प कर दिया, और कंज्यूमर तक, कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम एडवर्टाइजिंग ने किया। तो ये सारा ब्रॉडली वी कैन से इट्स कॉमर्स, है ना, हेल्पिंग कनेक्शन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, दिस इज ऑल कॉमर्स। फाइन, चलो, थैंक यू।